2012 का छावला गैंगरेप का मामला याद है आपको? आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को, जिन्हें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट द्वारा फांसी की सजा मिली थी, उन्हें बरी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। तो ये केस 2012 का था, जिसमें दिल्ली में एक 19 साल की लड़की का किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर बेरहमी के साथ उसका मर्डर कर दिया गया था। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। दिल्ली के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमे के दौरान लड़की को अनामिका का नाम दिया गया, तो हम भी इसी नाम से आगे एड्रेस करेंगे। बहरहाल दोनों ही अदालतों ने दोषियों को मौत की सजा देने का आदेश दिया था। उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली अनामिका दिल्ली के छावला के कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012 की रात नौकरी से लौटते समय राहुल, रवि और विनोद नाम के आरोपियों ने उसका किडनैप किया। 14 फरवरी को अनामिका की लाश बहुत बुरी हालात में हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिली थी। गैंगरेप के अलावा अनामिका को बहुत टॉर्चर किया गया था। उसे कार में मौजूद औजारों से बुरी तरह पीटा गया। इतना ही नहीं, अनामिका के चेहरे और आंख में तेजाब डाल दिया गया था। लड़की के अपहरण के समय चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने लाल इंडिका गाड़ी की तलाश की। कुछ दिनों बाद उसी गाड़ी में घूमता हुआ राहुल पुलिस के हाथ लगा। उसने अपना गुनाह कबूल किया और दोनों साथियों रवि और विनोद के बारे में भी जानकारी दी। तीनों की निशानदेही पर ही पीड़िता की लाश बरामद हुई थी। फरवरी 2014 में पहले लोअर कोर्ट ने मामले को दुर्लभतम की श्रेणी पर मानते हुए तीनों को फांसी की सजा दी थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। उसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जस्टिस यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने दोषियों की अपील पर इस साल 6 अप्रैल को फैसला जो था वो सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने फांसी की सजा की पुष्टि की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ अकल्पनीय दरिंदगी हुई है। इस तरह के शैतानों के चलते ही परिवार वाले अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया और मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही दोषियों को रिहा कर दिया है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को। What?